दिस प्लेस इज कॉल्ड सोमेश्वरा। एक्चुअली पहुंच गए हम लोग सोमेश्वरा टेंपल। अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ, अंदर जाके आऊँगा शायद। कैमरा वैमरा भी यहाँ पे शायद अलाउ नहीं है, तो मैं कैमरा यूज़ नहीं करूँगा। इसे दिखता है, और इसके पीछे समंदर है ये टेंपल के, तो देखेंगे ऊपर से अगर लुक आता है कैसा दिखता है, मैं आपको बताऊँगा फिर उसके बारे में। अभी इस सोमेश्वरा टेम्पल से होते हुए बैक साइड में आए हम लोग, और बैक साइड से लेफ्ट साइड में देखो ये व्यू पीछे साइड से। ये बन की है पता नहीं, ये अगर जाते ना ऊपर की तरफ तो ऊपर से बहुत सही लुक आता था ये जगह से, लेकिन अभी है ना यहाँ पे बैक साइड में ऐसा सीन दिख रहा है, बहुत सही लग रहा है एक्चुअली। यहाँ से भी स्टेयर है, वो शायद पीछे की तरफ से है ये वाली, पता नहीं ये कहाँ से आना है करके। इधर भी जगह है, और ये साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी बीच का लुक पूरा दिखाई देता है, मतलब कितना दूर तक बीच है ना, तो वो पूरी यहाँ से दिखाई दे रही है, और मुझे यहाँ से अच्छा लग रहा है। लेकिन एक मेन मसला क्या है बोले तो, पैर बहुत जल रहे मेरे। मैं गाड़ी इधर ही पार्क किया हूँ, तो ये रास्ता एक है, ये रास्ते से आ सकते हैं। तभी मैं जाऊँगा यहाँ से, इधर से जाता हूँ, मैं स्लीपर पहनता हूँ, स्लीपर पहन के आता हूँ, क्योंकि मेरे पैर बहुत ज़्यादा जल रहे हैं। और जगह भी बहुत सही है, जगह भी बहुत अच्छी लग रही है, तो अभी मैं आऊँगा नीचे की तरफ जाता हूँ। और गर्मी बहुत हो रही है, और जहाँ पे हम लोग वो फैक्ट्री के पास गए थे ना, इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, अभी अभी तक मेरे को है ना वो फील हो रहा है। ओ माय गॉड, वो लोग बंदे लोग कैसे काम कर लेते हैं वो जगह पे। इट वॉज ओ माय, मेरे को तो बर्दाश्त नहीं हो पाया, जितना रिकॉर्ड कर सकता था रिकॉर्ड किया, और जल्दी से जल्दी भाग के आ गया बाहर। अभी जाता हूँ, चप्पल पहनता हूँ मेरे स्लीपर्स, और फिर पीछे की तरफ जाता हूँ यही रास्ते से। टेंपल के पीछे से स्टेप्स बनाए हैं नीचे उतरने के लिए, और टेंपल ये साइड में है मेरे ऊपर ऊपर की तरफ, और मैं यहाँ से उतर के नीचे जा रहा हूँ अभी, और सामने बीच है और फिशिंग बोट्स भी। धूप ज़रा ज़्यादा लग रही है अभी, क्योंकि ऑलमोस्ट 3 हो गया है। नीचे आ गए हम लोग यहाँ पे, देखेंगे ऊपर अभी वो स्टोन के ऊपर जाके देखेंगे कैसा दिखता है। पूरे बीच कनेक्टेड हैं एक्चुअली, अगर आप देख सकते हो तो, ये सामने की तरफ अगर देखोगे ना वो जो दिखाई दे रहा है ये वाला, उसके पीछे है ना वो लाल बीच था, और ये फर्स्ट प्लेस जो गए थे अपन ये वाला प्लेस था, वो वहाँ पे गए थे ये वाले प्लेस से होते हैं। फिर अभी हम लोग आए हैं इस जगह पे, इट्स कॉल्ड सोमेश्वरा टेम्पल। ये सोमेश्वरा टेम्पल है, और ये है सोमेश्वरा बीच ये वाला, और उसके ऊपर है ना एक्चुअली बहुत बहुत बड़ा स्टोन है जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हूँ, और समंदर का पानी नीचे है, और ये बीच है ये जगह, इतना ऊपर खड़ा हूँ मैं अभी फ़िलहाल में। इट्स अ स्टोन, अब पता नहीं ये पत्थर कहाँ से आ गया अभी यहाँ पे, तो ये जगह पे अभी फ़िलहाल में खड़ा हूँ मैं, और कोई ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। वही कोई आया है, एक दो आदमी पानी में खेलने वाले ग्रुप में लोग, 2-4 लोग बस उतने ही है, बाकी और कोई है ही नहीं, और बस उतना ही है। थोड़ा टाइम इंतज़ार वेट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे, फिर रिलैक्स करने के बाद फिर यहाँ से हम लोग भी निकल जाएंगे। अभी यहाँ तो ये एंड पॉइंट है, इसके आगे थोड़ा जाएंगे ना तो हमको केरला मिलेगा, तो हम लोग केरला की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग वापस जाएंगे। मुझे ना और एक जगह पे जाना है, इट्स कॉल्ड टावर बनाया है फातिमा टावर, सो विच इज़ बीन बिल्ड बाई टीपू सुल्तान, मतलब जो वॉरशिप आते थे उनके ऊपर है ना निगरानी के लिए टावर को वो टाइम में बनाया था, और वो टावर आज भी वही हालत में है, स्टेबल है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। तो मुझे वो विज़िट करना है कैसा दिखता है करके, फिर यहाँ से थोड़ा टाइम के ऊपर निकलेंगे। तो अभी निकल रहे हैं हम लोग यहाँ से, इस जगह से निकलते हैं, और वो दूसरी वाली जगह है जहाँ पर टीपू सुल्तान ने जो टावर बनाया है वहाँ पे जाएंगे। यहाँ से लगभग कम से कम ये 15 किलोमीटर के फासले पे है, तो उसको विज़िट करेंगे, और जो रात में बीच में गए थे वो वाला जो सबसे बड़ा बीच है उसको भी विज़िट करेंगे। फिर हमारा दिन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे जाते जाते, क्योंकि वो यहाँ से लगभग हमको 25-30 किलोमीटर मिलेगा। तो यहाँ से निकलते हैं, इस जगह को बोलते हैं बाय, और जाते हैं आगे की तरफ, फिर देखेंगे
अगर टाइम रहा और दूसरे कोई जगह रहेगी मिलने की घूमने की तो उस जगह पे भी जाएंगे हम लोग। फिलहाल तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सन्नाटा ही है, उतना कुछ मज़ा भी नहीं आ रहा है और टायर्ड बहुत हो रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और लकीली है अब ग्लासेस तो आँख को उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है लेकिन गर्मी तो बहुत लग रही है। तो अब फिलहाल निकल रहे हैं हम लोग, यहाँ से जाते हैं, गाड़ी उठाते हैं, कुछ ठंडा वंडा पीने का भी मन कर रहा है। रास्ते से आए थे वही रास्ते से जाएंगे और अभी तो ये जो टेंपल है सोमेश्वरा टेंपल जो है ना ये रास्ते से जाना है हमको, वहाँ पे जो स्टेयर बनाया है क्योंकि हमारी गाड़ी है ना ये मंदिर के सामने लगाई हुई है तो हम लोग हमारी गाड़ी लेंगे और फिर हम लोग जाएंगे। आज आ गए हम लोग डे टाइम में पनंबूर बीच, कल आए थे शाम के टाइम में तो कुछ खास नहीं था क्योंकि तो मार्केट वार्केट पूरे खुले हुए हैं, देखेंगे अब कुछ मिलता है। मैं कैब ढूंढ रहा हूँ, मेरी कैब तो चली गई है, ये जो चीज़ ढूंढ रहा हूँ मैं। अब जा रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं आगे क्राउड जैसा मैंने देखा था वैसा क्राउड है आगे आगे, ज़्यादा पब्लिक दिखाई दे रही है, कल तो कुछ भी नहीं था, मुझे लगा कि शायद ये इतना कुछ खास बीच है नहीं लेकिन आज बहुत ज़्यादा क्राउड है यार। यहाँ पे बोटिंग भी हो रही है लेकिन उतना कुछ लंबा राउंड नहीं लेते हैं, मैं जितना देखा तब से तो इधर ही लेके जाके वापस लेके आ रहे हैं लोग। उतना कुछ खास नहीं है, वो लेके आएगा वापस, चलाने भी देगा नहीं। और एक बोट है, ये बोट भी बेचते हैं, ये भी जाती है और वापस आ जाती है, उतना ही छोटा राउंड। हम लोग है ना देखो कितना क्राउड आता है यहाँ पे, आगे पीछे नहीं आगे पीछे पूरा क्राउड ही रहता है। बोटिंग का भी सीन हो रहा है यहाँ पे, इधर चार्जिंग 100 बक्स, इनका ही चार्जिंग 400 बक्स है, ये वाला 100 चार्ज करता है लेकिन चलाने आपको देगा नहीं, तो आपको क्या करना है स्पीड भी जाना पड़ेगा। इसमें अगर जाते तो इसमें बनाएगा कोई और सनसेट। अभी हम लोग यहाँ पे खड़े रह के इंजॉय कर रहे हैं और क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, अभी भर गया है पूरा क्राउड इस तरफ, यहाँ पे आप देख सकते हो क्राउड कितना ज़्यादा क्राउड है। यहाँ देखो पूरा क्राउड भर गया है पूरा, बहुत ज़्यादा क्राउड है। मतलब यहाँ पे मुझे क्राउड मिला और दूसरे कोई दूसरे बीच पे कोई बीच पे भी क्राउड नहीं था, शायद इवनिंग की वजह से ऐसा सीन रहेगा लेकिन अभी यहाँ पे तो सही है। सनसेट देख रहे हैं, सनसेट एंजॉय कर रहे हैं, मैं तो अंदर जा रहा नहीं हूँ, मुझे भीगने का कोई शौक नहीं है, बस मैं इतना ही इतना पानी था कि मैं बस खड़ा हूँ, आगे तो नहीं जा रहा हूँ मैं। सनसेट होने में थोड़ा टाइम बाकी है, देख रहे हैं वेट कर रहे हैं सनसेट का। हाफ सनसेट हो गया है, लास्ट सूरज आज का पूरा डूबता हुआ खत्म, आज का सूरज पूरी तरह से डूब गया है, अभी बाकी कुछ नहीं रहा, आज का दिन इधर ही खत्म हो रहा है सूरज का। भी हो गया है 6:30 के टाइम में, देखो बीच कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वैसे क्लोज हो गया है, तब से कॉप्स आए थे और वो लोग है ना भगा रहे थे, बोले थे कि पानी के अंदर नहीं जा सकते तो बाहर आ जाओ, तो ऑलमोस्ट है ना सब ज़्यादातर लोग है ना पूरे बाहर ही आ गए और थोड़े बहुत तो लोग किनारे भी खड़े हैं। वैसे तो मैं आया हूँ यहाँ पे बीच साइड होटल के अंदर, मतलब बीच साइड होटल तो यहाँ पर खाना खाने के लिए आए हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कुछ ट्राई करते हैं, कुछ अच्छा अच्छा मिलता है खाने के लिए, थोड़ा बहुत खाएंगे खाने के पहले भी देख लिए, अपना खा लेते हैं कुछ स्नैक्स खा लेते हैं फिर। कौन सा पेमेंट करना है? गुलगुल पे। गुलगुल पे। कौन सा पे? गुलगुल। कौन सा पे है वो? इधर का गुलगुल पे। गुलगुल पे ठीक है, मैं गुलगुल पे करता हूँ। खाना खाने के लिए आए हैं हम लोग, अभी आज का दिन बहुत टायरिंग गुजरा क्योंकि बहुत गर्मी थी, धूप थी, उस वजह से
ये एक्चुअली नॉर्मली हम लोग जो बनाते हैं ये ऑयल के अंदर बनता है, लेकिन ये ऑमलेट जो बना है इट्स काइंड ऑफ बिग साइज और ये बना है कोकोनट ऑयल के अंदर। ये वीट परोठा है, ऑमलेट मैंने खा लिया वहाँ से और ये वीट परोठा, नाइस कॉम्बिनेशन और मैंगलोरियन स्टाइल है, ऐसा ही अच्छा लगता है, मतलब टेस्टी लगता है। इट्स काइंड ऑफ बिट तंदूरी लेकिन इसके अंदर कोकोनट की स्मेल आती है। ये आ गया है हमारा मसाला राइस, खाना बहुत टेस्टी एक्चुअली यहाँ का। आ गए अभी रूम के अंदर, खाना वाना सब हो गया, अभी सोने जा रहे हैं क्योंकि बहुत नींद आ रही है। अभी मैं खाना खाने के बाद है ना वहाँ पे, यहाँ से ना वो पोर्ट नज़दीक है तो पोर्ट के पास गया था, वहाँ पे जाके थोड़े लोग मिले थे वो पोर्ट वाले, जो उनसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले रहा था, तो यहाँ की स्टोरी सुन के मेरे को हैरान हो गया। मतलब वो बता रहे थे कि नॉर्मली जो फिशिंग वगैरह करने के लिए आते हैं 4000 लोग आते हैं, एग्जाम्पल दे रहा था, मतलब 4000 आते हैं और 1000 लोग है ना फ़िशिंग करने के टाइम में और उनका कुछ इश्यूज हो के शिप से गिर के इधर ही मतलब पानी के अंदर गिर जाते हैं, और ये 4000 आते हैं और 3000 बस वापस जाते हैं, और यहाँ पे जो फ़िशिंग करने के लिए आते हैं पूरे तमिलनाडु से आंध्रा से तो वही लोग आते हैं और शिप के अंदर ही वो लोग रहते हैं, और जब वो सेलिंग करते हैं मतलब शिप के अंदर जाते हैं फ़िशिंग के लिए तो 10-10 दिन तक 15-15 दिन तक है ना समंदर के अंदर ही रहते हैं। थोड़ा बहुत मजाक भी हुआ हमारे में, थोड़ा अंधेरे का टाइम था इसके लिए कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया मैं, तो अभी आया रूम, अभी सो जाऊंगा, अर्ली मॉर्निंग सोच रहा हूँ निकलूँ, 6-7 बजे निकलूँगा और दूसरी जर्नी है, दूसरे प्लेस पे जाना है तो सुबह में निकलूँगा तो अच्छा रहेगा। तो आज का वीडियो हम लोग इधर ही एंड करते हैं, तो मिलते हैं कोई बड़े से वीडियो के अंदर, तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, बताना वीडियोज़ कैसे लगते हैं, कमेंट ऐड करो तो पता चलेगा। तो मिलते हैं कोई अगले बड़े वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए सबको गुड नाइट, बाय।